हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको बैंकिंग, फाइनेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, बैंक प्राइवेटाइजेशन से लेकर, जो अभी अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है फाइनेंस सेक्रेटरी के अनुसार। जैसे ज़्यादातर सरकारी बैंकों का यहाँ पर निजीकरण होना तय है, यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक जो है इंडियन पॉलिसी फोरम 2021 में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे ज़्यादातर सरकारी बैंकों का यहाँ पे प्राइवेट कर दिया जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि निर्मला सीतारमण सिंह जी ने फरवरी में घोषणा की थी, दो सरकारी बैंक को यहाँ पे प्राइवेट किया जाएगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे प्राइवेट किया जाएगा। दो सरकारी बैंकों का भी वहाँ पर नाम आपको लिस्ट में आ गया था और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी यहाँ पे न्यूज रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आ गया था। और आप लोग भी ये बात जानते हैं, बहुत सारे इस पर वीडियो भी बना, बहुत सारे रिलेटेड न्यूज़ भी निकले, मैं भी इस पर वीडियो बनाया, आप लोगों को पता होगा। तो मैं आज के इस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ज्यादातर सरकारी बैंकों का निजीकरण होना तय है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है। टीवी सोमनाथन जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, कहा है कि सरकार भविष्य में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ज़्यादातर बैंकों का यहाँ पे निजीकरण करेगी। मतलब जितने भी यहाँ पे बैंक है सारा को यहाँ पे निजीकरण किया जाएगा, जो भविष्य जो है सरकार जो सोच रही है आगे भविष्य में करने के लिए। सोमनाथन ने 13 जुलाई को इंडियन पॉलिसी फोरम 2021 में कहा है कि सरकार अपने घोषित पॉलिसी के मुताबिक इन क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रही है और लगभग पूरी तरह से यहाँ पे काम कर भी लिया गया है कि आने वाले टाइम में जो है आपको 17 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक जो आपको चलेगा, ये मॉनसून सत्र जो चलेगा उसमें जो है बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए वो एक्ट जो लाया जाएगा उसमें प्रावधान लाया जाएगा और वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा पार्लियामेंट में। इस सोमनाथन ने यह भी कहा है कि समय जो है जब देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी इंश्योरेंस जो LIC जो है, LIC का जो सरकार है अभी कुछ दिन पहले ही IPO लाई है मार्केट में, IPO लाने वाली है सरकार LIC की, जैसे अभी जो घोषणा आया था सरकार के तरफ से कि LIC की IPO मार्केट में आएगी, तो इस तरह से LIC का भी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होना कुछ हद तक यहाँ पे फैसला हो गया है। सोमनाथन ने कहा है कि हमने घोषणा की, ज्यादातर सरकारी बैंकों का अंतर निजीकरण कर दिया जाएगा। यह कहना कि अंतर निजीकरण करना और वास्तव में उनका निजीकरण करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम उनके निजीकरण के लिए पूरी तरह से एक्टिव हैं। बैंक उन सेक्टरों में से एक है जहां सिर्फ कम से कम यहां पे सरकारी बैंक जो है यहां पे रहना चाहिए। मतलब जो सरकार का जो नीति है यहाँ पर कम से कम यहाँ पे बैंक रहना चाहिए, ज़्यादा बैंक यहाँ पे सरकार नहीं चाहती है। जितने भी बैंक बचे हैं उस सारे को मर्ज किया जाएगा, मर्ज करके एक किया जाएगा, या फिर जो कुछ बैंक है उनको यहाँ पे जो घाटा में चल रही है उनको यहाँ पे प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो ये सरकार का यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे नीति तैयार कर ली गई है कि किस बैंक को यहाँ पे प्राइवेट किया जाएगा और किस बैंक को मर्ज किया जाएगा। वो तो आने वाले टाइम में ही अब हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा बैंक यहाँ पे प्राइवेट होगा और कौन सा बैंक को यहाँ पे मर्ज किया जाएगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे अपना रणनीति खेल ली है। और यहाँ पे टीवी सोमनाथन जो है फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने भी एक न्यूज़ के अनुसार ये चीज़ कह दिया है। तो आशा करते हैं वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अब कुछ भी बैंक रिलेटेड से आप न्यूज़ आती है प्राइवेटाइजेशन से लेके, तो मैं आप लोग के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।